क्लास में हमारी ओवर हो चुकी है और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी। मेरे ऊपर ना जलता है, बहुत सुंदर लग रहा है और ठेलियों में आम आपके शहर में भी आ गया होगा, मैं कोशिश कर रही थी। सही बात है, खुश रहो। गुलाब जामुन सबसे फेवरेट में, उसके बाद में। हेलो एवरीवन, तो करते हैं आज की शुरुआत नए व्लॉग की, मंदिर से फिर से। तो कैसे हैं सारे, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो सुबह सुबह ये टाइम है 6:30 का टाइम है और यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा। और पूजा करने के बाद आप लोग को पता है कि मैं क्या करूँगी। तो देखिए, मैंने पूजा कर ली है और इस समय हमारे यहाँ पर चांदनी के फूल और ये जो गुलाबी मोगरा है और लाल गुड़हल है, ये बहुत सारे हो रहे हैं। तो पूजा करते ही आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पे बन रहे हैं पंकज के टिफ़िन के लिए रोटियाँ। तो वो क्योंकि पराठे नहीं ले जाते तो उनको उनके लिए जो मैं है रोटियाँ ही बनाती हूँ, फिर इसमें घी लगा के दे देती हूँ। और सिया जो है पराठे ले जाती है और खाती भी, तो दोनों के खाने के लिए और ले जाने के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। और टिफ़िन बन गया है, इसके बाद ये दोनों तैयार हो रहे हैं, पंकज ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और मैं बैठ के यहाँ पर पी रही हूँ अपनी चाय और बाहर ले रही हूँ मौसम का आनंद, जो इसमें बहुत हो रखा है सुहावना, बिल्कुल ठंडा ठंडा प्यारा सा मौसम हो रहा है। और ऐसे मौसम में बैठ के अपनी अदरक और गुड़ वाली चाय पीना भला किसको अच्छा नहीं लगता, तो उसी का मैं यहाँ पे आनंद ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सारे, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये लोग सब स्कूल जा चुके हैं, मेरी सुबह पूजा भी हो गई, मतलब पूजा तो मैं इन लोगों के स्कूल जाने से पहले ही कर लेती हूँ और उसके बाद ये लोग सब स्कूल चले गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है, ओहो टाइम बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो मैं बता देती हूँ आपको, 8 o'clock टाइम हो रहा है। और अब मैं करने लगी हूँ सफाई, सुबह एक बार 6 बजे तो झाड़ू हो लग ही जाता है, मतलब 6 बजे से पहले, और अब ये लोग चले आते हैं तो फिर एक बार थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मतलब, तो अब फाइनल जो है सफाई करने लगी हूँ। और आज जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि कहीं जाना है, 10 बजे जो है सिस्टर आ जाएगी तो उसके साथ जाना है। कहाँ जाना है पॉसिबल होगा तो आपको दिखा दूँगी, थोड़ा सामान लेने जाना है, सही बता दूँ तो सामान लेने जाना है। तो दिन के लिए मैंने आटा वाटा गूंद के रख लिया है, सारा काम कर लिया है, तो बस अब सफाई करने लगी हूँ। तो फटाफट करती हूँ सफाई और उसके बाद तब आगे का काम होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बने रहना है ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखिएगा प्लीज़, और ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मैं करती हूँ अपना काम शुरू। तो फटाफट सफाई करके जो है फिर रेडी होके मैं निकल लूँगी सिस्टर के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है, अब आपको टाइम दिख रहा होगा अच्छे से, टाइम हो रहा है 8:36 आगे है मेरी घड़ी। तो और मेरा काम सब ख़त्म हो चुका है, अब मैं जो है थोड़ी सी चाय पीऊँगी, चाय पीना जो है मस्ट है, तो चाय पीऊँगी। और देखिए हमारे यहाँ के जो रूम्स हैं ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद धूप आते हैं अंदर, मतलब अभी फ़िलहाल धूप नहीं आई है, कहने का मतलब ये है कि अंदर इस साइड से आएगी धूप ना अभी। तो मैं जो है जाने के लिए ड्रेस अपना जो है मतलब कपड़ा सूट प्रेस कर लेती हूँ, और चाय रखी है मैंने बनाने के लिए, तो मेरी चाय थोड़ी आप लोगों को पता ही है। तो खैर मैं अपने जो है कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, आवाज़ आ रही होगी, फैन चला रखा है मैंने क्योंकि पोछा मारा था तो थोड़ा सा गीला है। तो चलिए मैं कपड़े प्रेस करती हूँ फटाफट। आ गए हैं अभी कैंटीन से और ये सामान रखा है हमने यहाँ पे, और बाकी सामान डिग्गी में है। और मेरी सिस्टर जो है ड्राइव कर रही है और उसने आज साड़ी पहनी है, उसको साड़ी पहनने का बहुत शौक है इसे, और उसको बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना और उसके ऊपर जचता भी है, मेरे ऊपर ना जचता है हम लोग घर जाते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है अब, और सामने गुलमोहर के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं और ठेलियों में आम आपके शहर में भी आ गया होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को पीछे जगह जगह आमों की ठेली लगी है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको रुको। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हर जगह आम लगे हुए हैं। और उसके बाद काम मेरा सब कुछ हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ तैयारी किस चीज़ की, ये वाटरमेलन की जूस बनाने की। और यहाँ पे मैं ये धनिया लेके आई थी, काफ़ी फ्रेश थे, तो ये ना ये ग्रीन ये हो रहे हैं, ये सड़े नहीं हैं एक्चुअली, इनको मैंने सुखाने रख दिया, इनको मैंने वॉश कर दिया था, तो इनको सुखा रही हूँ मैं, छाए में ही सुखाऊँगी, धीरे धीरे करके थोड़ा और फैला दूँगी। तो चलिए एक जूस बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक जो है पहले थोड़ा सा बना लिया, तो सोच रही हूँ कि सबके लिए थोड़ा सा और बना लूँ, तो ये जूसर ले लेते हैं, इसमें बना लेते हैं। चलिए तो पहले इसको हम कट कर लेते हैं,
और रॉकेट साइंस नहीं है कुछ बहुत बड़ा वाटरमेलन का जूस बनाने में। बस ये होता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं इसमें इसको जो है इसी तरह से बनाती हूँ। अभी मैंने जूसर निकाला नहीं है, तो मैं इस मिक्सर जार में ही इसको बना देती हूँ। इसमें से जो है बीज निकालूंगी, इस तरह से कट करूंगी और इसके बीज जो है निकल जाते हैं ईजिली बहुत ही, और इसको हम पीस लेंगे और मतलब जो है ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर उसमें आराम से जो है आप मतलब बाद में मिलाइएगा, पहले मत मिलाइएगा, पुदीना मिलाइए, सॉरी पुदीना नहीं, नींबू का रस, चाहे बाद में मिलाइए चाहे अभी मिलाइए। तो मतलब मैं जो है इसमें बाद में ही मिलाऊंगी, ऐसे कट कर लिया, थोड़ा सा आधा भी मिला दिया, थोड़ा बाद में मिला दिया, तो क्या है टेस्ट एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, वरना बहुत मीठा मीठा सा लगता है। खैर जिनको मीठा बहुत पसंद है तो वो खा ही सकते हैं, मतलब पी सकते हैं, खा ही नहीं। और इसमें ब्लैक सॉल्ट और पुदीने की पत्तियाँ जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और घर में इस तरह के रिफ्रेशिंग जूस बने तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेके आए उसके बदले ये तो ज़्यादा अच्छा। और इसमें अगर ये जो बहुत है थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना अदरवाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा ही थिक हो जाता है। तो मैंने इसमें हाफ ग्लास जितना पानी मिला दिया था, तो उसके बाद भी काफ़ी थिक हो रहा था, तो मैंने इसको एक बार जो है अच्छे से शेक कर लिया, मतलब ग्लास में डाला और उसके बाद दोबारा से शेक कर लिया, तो अच्छे से फिर ये हो गया था। और उसके बाद फिर आप उसको सर्व करिए, और जो मतलब आप गार्निशिंग करिए, फिर वो आपके हाथ में है कि आप इसको लेमन से गार्निश करिए, आप इसको पुदीने की पत्तियों से गार्निश करिए। हमारे वाटरमेलन जूस रेडी हो चुके हैं, और आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए इस तरह से, या आप इसमें लेमन के स्लाइस लगा दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगेंगे ये, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगेंगे ये। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा वाटरमेलन जूस। तो ये दोनों स्कूल से आ गए हैं, और यहाँ पे जो है इन दोनों को मैंने ये जूस दे दिया है और फ्रूट्स दे दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि ये लोग स्कूल से आके जो है लंच नहीं करते हैं, क्योंकि लंच लेके जाते तो करते नहीं है और फिर शाम को ही खाना खाते हैं। और ट्यूशन क्लासेस हमारी ओवर हो चुकी है, और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी दुकान जा रहे हैं। आजकल ना दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, धूप हो गई ना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैक कराने के लिए, सामान लेने जा रहे हैं हम लोग। और अभी हम आ ही रहे थे कि लाइट चली गई अचानक से, आजकल कुछ हो रखा है लाइट को, दिन में भी दो तीन बार चली गई थी, थोड़े थोड़े ऐसे 5-5 मिनट के लिए जाती है और अभी भी चली गई है। और यहाँ पे अभी हम आ रखे हैं गिफ्ट शॉप में, तो यहाँ पे हमें कुछ गिफ्ट लेना है। नेक्स्ट डे हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो उसी के लिए हम ये जो है गिफ्ट लेने के आ रखे हैं, और कुछ सामान भी लेना है, क्योंकि मम्मी ने मामा लोगों को डिनर में भी इनवाइट किया है। नेक्स्ट डे ही यानी कि दिन में हमें जाना है कहीं पार्टी में, और मतलब मम्मी ने रात को मतलब डिनर में बुलाया है, ऑब्वियसली रात को डिनर ही होता है, कहने का मतलब कि डिनर बुलाया है, तो इसलिए हमें वहाँ पे जाना है, तो गिफ्ट के लिए आ रखे हम लोग, और साथ में कुछ सामान भी ले लेंगे जो हमें पार्टी के लिए लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये स्वीट्स ले रहे हैं और थोड़ा नमकीन ले रहे हैं इस शॉप से। बाकी जो सामान है वो तो हम लोग क्या ले ही लेंगे, और साथ में यहाँ पे जो है पनीर भी बहुत अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, तो साथ में पनीर भी हम यहीं से ले लेंगे, क्योंकि मम्मी लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो वो लोग बिल्कुल वेज पार्टी रखेंगे, इसलिए तो वेजिटेरियन ही सारा सामान जाएगा, और ये सारा सामान भी जो है पार्टी के लिए। यहाँ पे अब मैं आटा सानने लगी हूँ, यानी कि आटा गूंदने लगी हूँ, तो ये मैं सोच रही हूँ आज लच्छा पराठा बनाते हैं, इसके लिए मैं ये आटा जो है गून रही हूँ। तो ये मैंने लिया है नॉर्मल आटा, और ये मैंने लिया है मैदा, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको जो है हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद सानने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब मैं आटा सानने लगी हूँ, यानी कि आटा गूँने लगी हूँ, तो ये मैं सोच रही हूँ आज लच्छा पराठा बनाते हैं, इसके लिए मैं ये आटा जो है गून रही हूँ। तो ये मैंने लिया है नॉर्मल आटा, और ये मैंने लिया है मैदा, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको जो है हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद सानने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
तो आटा जो है मैंने बाइंड करके रख दिया और साथ में यहाँ पे कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो देखिए अक्सर मतलब हम जो है एक ही स्टाइल से सब्जी बनाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा चेंज करके बनाना चाहिए। तो आज मैंने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लहसुन काजू ये सब है, साबुती है, तो इसको क्या करना है कि पहले हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको जो है मिक्सर में या ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे। उससे क्या होता है कि आप जो भी वेजिटेबल बनाएंगे तो या प्यूरी बनाएंगे उसकी जो सब्जी होती है ना बहुत ठीक होती है और टेस्ट। तो ये हो चुका है ठंडा और इसको हम डाल लेते हैं अब जार में, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पे रख दिया है मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए, और कढ़ाई रहेगी सेम, इसी को हम यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली क्यों धोएंगे बार बार, इसको मैंने बस पानी से निकाल दिया है थोड़ा, तो ये जरा सूख जाता है। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ज़्यादातर खाना मैं जो है मतलब 99% खाना जो है मैं अपना जो है कच्ची घानी में सरसों में ही बनाती हूँ या फिर घी में। रिफाइंड का हमारे यहाँ पे ये है कि नहीं के बराबर ना के बराबर ही इस्तेमाल होता है, तो क्योंकि ऑयल पहले भी उस मसाले में भी है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। तो ये थोड़ा आज फ्यूज़न सा मतलब बना रही हूँ मैं अपने ही हिसाब से, तो थोड़ा देसी थोड़ा विदेशी तरीका लगा के। तो ये हो चुका है हमारा मसाला, मतलब अब इसमें हम मसाला ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि आपको पता ही है ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो इसको हमने भूनना है बिल्कुल धीमी आंच में ताकि ये जले ना। इसके लिए हमने जो है इसको सबसे मैंने इसे इंडक्शन को लो मतलब फ्लेम में रखा हुआ इस वक्त, और ये देखिए आप मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं बिल्कुल लो रखा है। और देखिए कलर इसका बहुत ही प्यारा आ रखा है अभी, बल्कि मैंने इसमें मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ वो हमारा लहसुन और मतलब गार्लिक ऑनियन टमाटर लहसुन अदरक जो है और काजू वही उसी का पेस्ट है ये, और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पर इस स्टेज में मैंने साथ में ही जो है ये चिकन भी डाल दिया, यानी कि चिकन और हमारा ये पीस साथ में ही पकेगा। मसाले मैंने अभी नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा आपको। तो 5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद तब हम इसमें जो है हमारे जो भी मसाले हैं वो डालेंगे। चुके हैं 5 मिनट और उसके बाद मैंने जो है इसमें मसाले सारे डाल दिए, सारे मसाले यानी कि वही हल्दी धनिया पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है आपका सॉल्ट और देगी मिर्च, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अभी चिकन मसाला। और इसको अब हम ऐसे ही पकने देंगे काफ़ी देर के लिए, कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको आराम से पकने देना है बिल्कुल। अब आप इसको भूल जाइए, भूलने का मतलब ये नहीं कि आपने इसको जला देना है, ये नहीं करना है, भूलने का मतलब कि आराम से बनने दीजिए इसको बस। और मैं अभी यहाँ पे वॉक कर रही हूँ नीचे ही, जो पहले वॉक करती हूँ वो तो मैं ऊपर टेरेस में जाके कर लेती हूँ, और अभी वॉक यहाँ पे हल्का ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ एक्चुअली पंकज का वेट कर रही हूँ, तो वो अभी तक आए नहीं है। और यहाँ पे जो है देखिए हमारी जिरेनियम के फूल बहुत अच्छे हो चुके हैं इस समय, और लिली बिल्कुल ओवर हो गई है, और बाकी भी फ्लावर्स हो रहे हैं जो सीजनल फ्लावर वो हो ही रहे हैं। तो जिस समय ये आने वाले होते मैं गेट थोड़ा सा ओपन करके रख देती हूँ और पता चल जाता है कि आ रहे हैं, क्योंकि दूर से ये हॉर्न बजाते तो उससे पता चल जाता है कि अब ये आ चुके हैं घर में। तो ये आ गए हैं और हम करेंगे अब डिनर। तो आप ये देख सकते हैं कि डिनर मैंने लगा लिया, और ये लच्छा पराठा हमारे काफ़ी बढ़िया बने हैं। लच्छा पराठा में ये होता है कि लेयर होती है अलग अलग, तो आपने किस तरह से बनाना होता है, हमें बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो होता है कि कैमरा पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे फ्यूज़न चिकन भी काफ़ी अच्छा बन गया है, इसमें मैंने बोनलेस ही डाले थे, बिल्कुल बोन वाले नहीं है तो बोनलेस है, तो ये भी काफ़ी टेस्टी काफ़ी बढ़िया बन गया था। तो देखिए अब हमारा ये जो है डिनर स्टार्ट कर दिया है हमने, तो बस डिनर शुरू हो गया है। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग आज का व्लॉग पसंद होएगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर करके जाइएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।